जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। मुझे कुछ कपड़े स्टीम आयरन करने हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको शुरू से दिखाऊंगा कि कैसे स्टीम आयरन चलानी है। शुरू से मतलब एकदम शुरू से, सभी लोगों को प्रॉब्लम आता है अगर हम नया स्टीम आयरन लेते हैं तो दोस्तों मेरे पास 100 लीटर का वाटर टैंक है जिसमें मैंने आरओ का पानी डाला हुआ है। डे बिफोर यस्टरडे मैंने इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, तो जाके चैनल में देख सकते हो। और हाँ, स्टीम आयरन मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई थी, तो मैंने मनीष यानी जी सर से काफ़ी गाइडेंस लिया, काफ़ी तकलीफ दी थी उन्हें कि कैसे आयरन चलाना है। छोटी मोटी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है। और हाँ दोस्तों, ये है ऑटोमेटिक बॉयलर है, तो इसमें एक छोटा सा मोटर लगा है कि जो ड्रम से पानी लेगा और बॉयलर में डालेगा। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ भी करने से पहले हम इसमें से जो कचरा है, गंदा पानी है, वो मैं निकाल लेता हूँ। क्यों निकालता हूँ इसकी वीडियो आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी दोस्तों। तो मनीष यानी जी ने मुझे अच्छे से गाइड किया था स्टार्टिंग में इस आयरन को चलाने से रिलेटेड, तो धन्यवाद मनीष यानी जी। इस वीडियो का क्रेडिट भी आपको ही जाता है, लेकिन आप लोगों को तकलीफ नहीं हो अगर आप नया आयरन लेते हो तो, इसीलिए वीडियो बनाई है। आप सबसे पहले आपको MCB बैठाना है दोस्तों। अभी ये मेरा पहले वाला जो बोर्ड है, मैंने डायरेक्ट MCB विदाउट MCB के डायरेक्ट इसमें पिन डाला था, तो ये मेरा बोर्ड जल गया। उसके बाद में मैंने एक मेन स्विच भी लगाया है सेफ्टी के लिए, और डायरेक्ट मीटर से कनेक्शन लिया है दोस्तों इस आयरन के लिए, यानी आपका जो बोर्ड वगैरह है ख़राब नहीं होगा, वायरिंग डैमेज नहीं होगी आपकी। तो सबसे पहले मैं बॉयलर शुरू करता हूँ। अभी आप मोटर का आवाज़ सुन सकते हो दोस्तों, तो जब ये मोटर का आवाज़ शुरू हो रहा है तो समझ लीजिए कि बॉयलर में पानी कम है, तो मोटर आवाज़ कर रहा है कि कॉक शुरू करने के लिए। तो ये मैंने कॉक शुरू कर दिया है, और हाँ, इमिजिएटली कॉक आपको बंद करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इमिजिएटली कॉक आपको बंद करना है दोस्तों, क्योंकि बॉयलर में अगर ऊपर तक पानी चला जाएगा ना, ऊपर तक लेवल होती है, तो आपका सही से स्टीम नहीं बनेगा और आयरन से सिर्फ पानी निकलेगा। और हाँ, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया आपको, ये जो घड़ी क्लॉक दिखाया मैंने आपको, तो ये जो है ना 4 से 5 के बीच में जब आता है तब आपका बॉयलर बंद हो जाता है। ये हीटर है दोस्तों, हीटर मैंने आयरन शुरू होने के बाद में जब मैं हीटर शुरू करता हूँ ना, तो मैं इसको 100 पे रखता हूँ। आप 300-350 पे भी रख सकते हैं, बट आपका जो फोम है ना वो जलने लगेगा दोस्तों। ये टेबल के नीचे आता है हीटर, एक हीटर आता है बॉयलर में और ये हीटर जो है टेबल के नीचे यहाँ पे है दोस्तों। ओके, तो मैंने 100 पे रखा है, मतलब जो भी स्टीम हम छोड़ेंगे तो एवेपोरेट हो जाएगी। अभी मैं हीटर शुरू कर रहा हूँ और वैक्यूम टेबल का वैक्यूम शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। अभी आयरन हमारा स्टीम उसमें बॉयलर में स्टीम जमा है दोस्तों, लेकिन बॉयलर में स्टीम बन गया है, लेकिन जो पाइप जो होता है ना, स्टीम वाला पाइप, उसमें पानी होता है, पानी होता है मतलब। तो अभी मैं उसमें से वो सारा पानी निकालूंगा, थोड़ा सा ही पानी निकलता है दोस्तों। और इसका जो बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो वापस से कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर और थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लगेगा प्रॉपर स्टीम बनने में दोस्तों। तो देखो इतना ही पानी निकला है जो बॉयलर में था वो, ओके, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो वापस से वो टेम्परेचर कम हो गया दोस्तों, 3 तक आ गया है वो, और उसको किलोवाट बोलते हैं, केजी प्रेशर बोलते हैं, स्टीम का मुझे कोई आइडिया नहीं है दोस्तों। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और ये आयरन है एकदम फुल भी टेम्परेचर होता है, बट मैं उसको एकदम मिनिमम रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि आधा काम आपका स्टीम करता है, आधा काम आपका टेम्परेचर करता है दोस्तों, और बाकी बचा काम आपका वैक्यूम करता है। इसी तरह से स्टीम आयरन का काम होता है दोस्तों। कॉक मैंने, पीछे वाला कॉक मैंने बंद किया है, बॉयलर, हीटर, वैक्यूम टेबल सभी मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। ये भी आप देख लीजिए कि कॉक बंद है। जब मैं स्टीम आयरन प्रॉपर चलाने लगूंगा, लास्ट में देखिए कि मैं कब इसका कॉक शुरू करता हूँ दोस्तों। तो ये अभी हमारा टेम्परेचर इसमें आ गया होगा सही से, स्टीम भी बन गया होगा हमारा अच्छे से। तो मैं अभी आयरन भी करके दिखाऊंगा आपको प्रॉपरली। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए दोस्तों। और हाँ,
हमारा और एक चैनल है राधे श्याम के व्लॉग्स, तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आई बटन पे, और कमेंट बॉक्स में आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी। अभी देखिए प्रॉपर स्टीम निकल रहा है दोस्तों, ये आपको चेक कर लेना है। कपड़े पे डायरेक्ट आयरन रखने से पहले आपको स्टीम चेक करना है दोस्तों, अभी बिल्कुल भी पानी नहीं निकला है। अभी हम एक पैंट की आयरनिंग आपको करके दिखाऊंगा, एक जीन्स की। तो दोस्तों राधे श्याम के व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारा और दूसरा चैनल है दोस्तों आई बटन पे, एंड स्क्रीन पे आई बटन पे और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राधे श्याम के व्लॉग, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जिस किसी को भी स्टीम आयरन लेना होगा तो पहले ये वीडियो उसके साथ में ही शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग स्टीम आयरन बेचते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं कि हम ये स्टीम आयरन बेच रहे हैं, लेकिन स्टीम आयरन चलानी कैसी है वो नहीं सिखाते हैं दोस्तों, कोई भी नहीं सिखाता है। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब पर तो आपको ये वीडियोज़ दिखाऊँ, देख लीजिए कैसे स्टीम अपना प्रॉपर स्टीम बन रहा है और कैसे हम स्टीम आयरन कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट तक देखिए वीडियो, लास्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस स्टीम आयरन से रिलेटेड, तो वीडियो एंजॉय कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए, लास्ट में इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट उसमें इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो देखने के बाद में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और हमारा और एक चैनल है राधे श्याम के ब्लॉग, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने कॉक अभी तक शुरू क्यों नहीं किया है, तो दोस्तों जब हमारी प्रॉपर स्टीम निकलने लगती है, ये ऑटोमेटिक बॉयलर के लिए ही है दोस्तों, जब हमारा प्रॉपर स्टीम निकलने लगा ना तब हम ये कॉक शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और शुरू करने के बाद में जब तक बॉयलर में पानी है ना तब तक आपका स्टीम आयरन का काम चल सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कीजिए।